नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इस चैनल का सेजित सहोत्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो आज हम बैठे हैं दी मारुति सुजुकी वैगनार में जो इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है। इसमें थोड़े बहुत इन्होंने जो है अपडेट्स वो करे हैं, बट जो मेन अपडेट है वो है इन्होंने इसका जो दिल है वो बदल दिया है, मतलब जो इंजन है कार का वो बदल दिया गया है। एंड जो उसमें अपडेट्स हैं वो ये है कि अब डुअल जेट जो आपका 1200 सीसी वाला स्विफ्ट में, डिजायर में, बलिनो में नए वाली जो आई है उसमें आता था वही सेम इंजन अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड जिसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी 4-5 किलोमीटर पर लीटर बढ़ चुकी है एंड सीएनजी में भी और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी दे रही है। जैसे पहले 31-32 भी देती थी, सीएनजी में भी 35-36 कंपनी क्लेम कर रही है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अब आपको जो सीएनजी वेरिएंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं एलएक्सआई के अंदर भी, वीएक्सआई के अंदर भी, जो कि काफी अच्छी चीज है। पहले सिर्फ बेस मॉडल में आपको सीएनजी देखने को मिलता था। सो करते हैं कंप्लीट वॉक अराउंड, बीच बीच में बात करेंगे कि क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो आइए करते हैं वीडियो शुरू। बात करें ऐसी कुछ आपको की देखने को मिल जाती है यहाँ पे, लॉक एंड अनलॉक के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो बीप करने लग जाती है अगर आपको कार कहीं पे नहीं मिल रही है तो उसके लिए। तो अगर आप सबसे पहले कलर देखेंगे, ये थोड़ा सा न्यू सा कलर इन्होंने यहाँ पे इसका लॉन्च करा है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया डुअल टोन पूरा कलर देखने को मिल जाता है। जो रूफ है वो पूरी आपको ब्लैक देखने को मिल जाती है, ओ वी एम्स हैं वहाँ पे इंडिकेटर्स विथ पूरा आपको ब्लैक टच यहाँ पे देखने को मिलता है, जो अलॉयस हैं वो भी आपको ब्लैक देखने को मिल जाते हैं। सो काफ़ी जगह ऐसे इन्होंने ब्लैक ब्लैक का ट्रीटमेंट यहाँ पे देने की कोशिश करी है। जो फ्रंट की हेडलैम्प्स हैं वही आपके सेम पहले की तरह मिलते हैं एंड इससे पूरी आपको स्ट्रेच सी मिल जाती है। यहाँ पे ग्रिल सुजुकी का बीच में आ जाता है लोगो, नीचे साइड आपको फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये है इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है ऑटोमेटिक का, ये वो है, उसका आज हम पूरा रिव्यू कर रहे हैं। क्योंकि तो अगर इसकी इंजन की बात की जाए तो देखिए इंजन में जो मेन चेंज है कि इंजन जो है वो पूरा बदल दिया गया है। तो अगर स्विफ्ट वगैरह उन गाड़ियों में आता था वही आपको सेम इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। फ्रंट में भी अगर आप देखेंगे ब्लैक का जो टच है वो यहाँ पे नीचे साइड पूरा दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड जो हेडलैम्प्स हैं वो डार्क कलर के साथ और अच्छे से निखर के आते हैं। इसे लेकर आप बात करेंगे दो आपको यहाँ पे स्प्रेस देखने को मिल जाते हैं, ये यहाँ पे आपका वाइपर। इसे लेकर टायर्स में देखेंगे यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स अब देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ब्लैक में। आपको लग रहा होगा कि ब्लैक है बट थोड़ी थोड़ी सी डार्केस्ट आप ग्रे इनको कह सकते हैं, जिसका अगर प्रोफाइल देखेंगे वो है 16570R14 इंच का अच्छा खासा कंपनी फिटेड जो है अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपके मैकपर्सन स्टड ही आपको देखने को मिलते हैं। शॉकर्स निसेट कट्स एंड ट्विस्ट्स देखेंगे वो पहले जैसे ही इन्होंने रखी हुई है। जो ए पिलर है, बी पिलर है, जो सी पिलर है, सब पे आपको ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मैट में देखने को मिलता है, यहाँ पे ग्लॉस में, इस साइड पे आपको पूरा मैट में देखने को मिलता है एंड इस साइड थोड़ा सा ए पिलर पे ग्लॉस में। वो अभी हमसे आपके टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं LED में एंड पूरा ब्लैक में फिनिश यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। ये वैसे तो कार सेंटर लॉकिंग वाली है बट यहाँ पे मतलब अगर आपकी कभी चाबी ना काम करे तो वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आता है कार का लुक पूरा अगर आप यहाँ से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लुक इन्होंने देने की कोशिश करी है। एंड अगर पीछे साइड से बात करी जाए यहाँ पे पूरी क्रोम में आपको यहाँ पे पट्टी देखने को मिल जाती है जिस पे लिखा हुआ है वैगनार, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, रियर में आपको वाइपर देखने को मिल जाता है, यहाँ आ जाता है पूरे डीफॉगर, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, इस साइड आपको देखने को मिल जाता है वॉशर। जो इसके हेडलैम्प है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि इसकी लुक और ज़्यादा बढ़िया कर देता है। थोड़ी मैसिव सी लुक आती है, काफ़ी बड़ी सी लुक आती है। एंड अब अगर इसकी बूट की बात करें तो बूट वगैरह तो वो सब सेम है वैसे, जैसे आपको देखने को मिलता है ये आ जाती है आपकी पार्सल ट्रे, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी डीप है जो इसका लोडिंग लिफ्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है, जो कंपनी वाले कहते हैं कि जो ब्रेजा है उससे ऑलमोस्ट इसका सेम ही जो ट्रंक है उसका साइज़ है। तो फिर यहाँ पर आपको टू पॉइंटर्स यहाँ पर आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। एंड जो नीचे है थोड़ा सा यहाँ पर भी ब्लैक का ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है, रिफ्लेक्टर देखेंगे वो आप यहाँ पर आपको दो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। पीछे से लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव कार की लुक लग रही है। साइड पीछे जाके स्पेस की बात करी जाए तो इस साइड आ गया आपका फ्यूल लिड। पीछे की अगर आप स्पेस की बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, वैगनार तो जाने ही स्पेस के लिए जाती है, सो बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो है हेडरेस्ट जो है वो आप मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते, फिक्स्ड आते हैं सीट के साथ ही। इस साइड आपको पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा कभी स्पेस एंड इस साइड आपको देखने को मिल जाते हैं बॉटल होल्डर्स वगैरह वो सब। स्पीकर्स आपको 4 मिलते हैं कंपनी की तरफ से, 2 आगे वाले दरवाजों में, 2 पीछे वाले दरवाजों में। ऐसे कुछ आपको बेंच टाइप की पूरी सीट देखने को मिलती है, मतलब बेंच टाइप की है बट यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाता है। ये पूरी आप नीचे कर सकते हैं, वो वाली अलग से आप नीचे कर सकते हैं। फ्रंट में देखेंगे यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इससे पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पर थोड़ा सिल्वर से टच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हैंडल में डुअल टोन अब आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्रीम साइड ऊपर ब्लैक साइड, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लैक और क्रीम का यहाँ पे इन्होंने बढ़ गया सब मिक्सचर यहाँ पे करा है।
जो एसी वेंट्स है उसके साइड में आपको सिल्वर लाइन देखने को मिलती है यहाँ पे भी, एंड जो बीच का आपका इंटीरियर है ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ये नॉर्मल आपके एसी वेंट्स आ गए, ये डिफॉग के स्विच, एसी का स्विच, ये हवा अंदर बाहर की, वो सब। गियर लीवर ये आ गया आपका, मतलब AMT, यहाँ पे आप ऐसे मैनुअल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा लगे तो आप आगे पीछे ऐसे मैनुअल कर सकते हैं। या हज़ार लैम्प के बटन, पूरा टच स्क्रीन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें एप्पल का एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो सब आपको देखने को मिल जाता है। नीचे साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिलता है, एंड इस साइड भी मतलब थोड़ा बहुत सामान हम यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे साइड यहाँ पे आपको USB एंड ऑक्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्पेस, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एंड 12 वाट चार्जिंग सॉकेट, जिसमें आप लाइटर वगैरह या जो भी चार्जर अगर एक्सटर्नल लगाना है सो वो आप लगा सकते हैं। अब ड्राइविंग साइड पे जाके बात करते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस, लॉक अनलॉक करने के लिए कार को यह आ जाता है, ओवर गेम्स की जॉयस्टिक, यहाँ पे जो मिरर्स हैं उनको फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए, बट अभी कार जो है वो खुली हुई है, मतलब अनलॉक है, सो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो नहीं हो रहे वहाँ से फोल्ड, बट ये आप दबाएंगे सो ऐसे अभी फोल्ड जो है वो हो जाएंगे। नीचे साइड भी अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिल जाए, चारों डोर्स में, मतलब स्पेस के मामले में तो इन्होंने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दी है। आइडल स्टार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये आ जाते हैं लाइट लेवलर, 5 तक आप लाइट जो है उसको लेवल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ऐसे कुछ आपको एसी वेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये आ जाता है पूरा इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे मोड के आगे जैसे स्विफ्ट में होता था वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये म्यूट के लिए, वॉइस कमांड, कॉल कट रिसीव, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। ये आ जाता है यहाँ पे इसका हॉर्न, SRS एयरबैग्स, 2 आपको डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड जो सीट की कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो अब बाकी अंदर बैठ के बात करते हैं कि चाबी वगैरह जब लगाते हैं, सो ये देखिए जो है इसका मीटर कंसोल। सो अब अगर हम चाबी लगा के देखी जाए, सो ये हमने जैसे लगाई है यहाँ पे इसकी चाबी, कार जो है वो भी है हमारी न्यूट्रल पे, ओके। सो कार जो है वो है अभी हमारी न्यूट्रल पे। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रिवर्स गियर यहाँ पे लगा हुआ है, सो यहाँ पे वो साइन आ रहा है उसका, एंड यहाँ पे सुजुकी का ऐसे लोगो आ जाता है यहाँ पे देखने को, सो हम पहले बंद कर देते हैं वरना कॉपीराइट आ जाएगा, ओके। चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी, है देखिए यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मतलब जो आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो यहाँ पे आपको दिखा देंगे। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डिजिटल जो है ऑटोमीटर वो देखने को मिल जाता है, स्टेयरिंग भी लॉक है उसका वहाँ पे साइन आ रहा है, यहाँ पे पूरा 180 तक का मीटर देखने को मिल जाता है। एंड इस साइड ये थोड़े आ जाते हैं इंडिकेटर के स्विचेस, एंड इस साइड आपको देखने को मिल जाते हैं वाइपर वगैरह उस सब के। सो अब इसको यहाँ से अगर करा जाए बंद, उसे दरवाजा खुला है, सो उसका भी यहाँ पे साइन आ रहा है। एंड जो स्टीरियो सिस्टम है उसमें यहाँ पे अगर लो फ्यूल वगैरह उसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टच है जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूजिंग, ये देखिए यहाँ पे जैसे कितनी किलोमीटर वो चलेगी उसकी रेंज वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो जो चेंजेस हैं वो मेनली अगर आप कार में देखेंगे जो इंजन है उसमें चेंज करा गया, डुअल जेट अब आपका इंजन हो चुका है, आइडल स्टार्ट स्टॉप आ चुका है, डुअल टोन में अब आपको कलर जो है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड रेड का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ऑल व्हील्स आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया चीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू सब्सक्राइब करते रहें, हिट द बेल आइकन ताकि आपको जल्दी जल्दी नए से नए अपडेट मिलते रहे, यहाँ से भी जल्दी अपडेट, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।